बीएसएफ ने राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। पूछताछ में घुसपैठिया ने बड़ा खुलासा किया। बीएसएफ ने पूछताछ में बताया कि वो पाकिस्तान से बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मारने के फिराक में था। उसके पास से कई संदिग्ध सामान भी मिला है। खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स यानी रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी की संयुक्त टीम उससे पूछताछ कर रही है। 24 साल का आरोपी रिजवान अशरफ पाकिस्तानी पंजाब के बहारुद्दीन जिले का रहने वाला है। बीएसएफ के मुस्तैदी के चलते उसे हिंदूमल कोट सेक्टर में खखाम चेक पोस्ट पर भारतीय सीमा में घुसते वक्त पकड़ा गया। 16 जुलाई की रात करीब 11 बजे श्रीगंगानगर जिले से लगे हिंदूमल कोट बॉर्डर फेसिंग पर संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा था। पेट्रोलिंग टीम को शक हुआ तो उसे पूछताछ की, वह सही से जवाब नहीं दे सका। तलाशी लेने पर उसके पास से 2 चाकू मिले जिसमें एक 11 इंच का धारदार चाकू था। इसके अलावा धार्मिक किताबें, मैप, कपड़े और खाने का सामान भी मिला है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नुपुर शर्मा की हत्या के इरादे से बॉर्डर क्रॉस किया। साजिश को अंजाम देने से पहले वह अजमेर दरगाह जाने वाला था। बीएसएफ ने आरोपी को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने उसे स्थानीय कोर्ट में पेश किया जहाँ उसे 5 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया। उसने कहा कि नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद वह बहुत गुस्से में था, जिसके बाद उसने तय कर लिया था कि उसे मारकर ही दम लेगा। SP के मुताबिक उसे पता नहीं था कि वह भारत के किस पोस्ट पर पहुंचेगा और नुपुर शर्मा कहाँ रहती है। इसके बावजूद उसने भारत आने का फैसला किया। वह पहले भारत में घुसने और फिर नुपुर शर्मा को ढूंढने का मकसद लेकर आया था। देखिए, दिनांक 16-17 जुलाई की मध्य रात्रि पर एक व्यक्ति जो है वो बॉर्डर का पिलर क्रॉस करके फेंसिंग के पास आ गया था, जिसको BSF के गार्ड्स ने चैलेंज करके उसको अरेस्ट किया और उसके बाद उसको हिंदूमल कोर्ट पुलिस थाना को सुपुर्द किया। हमने उसमें एक FIR दर्ज की। FIR दर्ज करके जो मल्टी एजेंसी ज्वाइंट इंटरोगेशन कमेटी है उसको फॉर्म करके वो शुरू करी। प्रारंभिक पूछताछ में उसका किसी आतंकी संगठन से कनेक्शन सामने नहीं आया है। हालांकि जांच अभी भी जारी है। इससे पहले उदयपुर के कन्हैया लाल के हत्यारों का भी पाक कनेक्शन सामने आया था। हत्यारे गौस मोहम्मद ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। दोनों पाकिस्तान के 10-12 मोबाइल नंबरों पर लगातार बात करते थे। आपको बता दें कि एक TV डिबेट के दौरान बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। देश और दुनिया में नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। कई जिलों में अलग अलग FIR दर्ज हुए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगाते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त तक केंद्र, राज्य और नुपुर से एडिशनल एफिडेविट मांगा है। इस दौरान गिरफ्तारी या किसी भी एक्शन पर रोक लगा दी गई है। अब कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को करेगी। नुपुर शर्मा ने 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अपनी वापस ली गई याचिका को बहाल करने का भी आग्रह किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।